जो एक स्पिनर अगर वाइड करता है तो इट्स लाइक अ क्राइम। अली एक तो इस अलमिये पे ये गम की शाम, ये कब ढलेगी, मतलब खत्म, इससे आगे निकले आदमी, चार मैच खेले गम की शाम हमारे लिए, आपके लिए तो शायद नहीं है। नहीं नहीं, वही मैं आप ही के गम की शाम की बात, आपने एक्सेप्ट कर ली कि आपके लिए खुशी का दिन है। नहीं नहीं, मेरे जब हमने देखा स्कोर बोर्ड पर तो 8 बॉल्स पर 28 रन चाहिए थे। मेरे जैसा बंदा जो था ना वो मुतमईन हो गया, मिठाई खरीदने हम चले गए कि बस भाई अब तो भी पाकिस्तान जीत गया। अच्छा जब जरा ऐसे मुड़ के देखा तो पता चला कि ये तो मैंने मना किया उनको। मैं तो क्रिकेट फैन बन के देखता हूँ मैच को, और मेरा एक ही फेवरेट है वो विराट कोहली, खत्म बात। उसके अलावा मैं किसी को प्रेज ही नहीं करता, जो जानते भी नहीं। विराट क्या खिलाड़ी उसने बता दिया। विराट अगर, अच्छा विराट चार मैचेस के हैं, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती जो कल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बिहेव कर रहा है, और आगे बात होंगी जितने ट्विटर पे फेक अकाउंट बनाए गए थे उनके ट्वीट के बारे में। हालांकि FPY विराट कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और जिस लेवल की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी देर में शायद ब्रेक ब्रेक में ये लड़ भी गए होंगे, छीना झपटी भी हो गई होगी। तो जो मैच हुआ है यार वो बस वन मैन आर्मी शो था। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ने सपोर्ट किया, बट 37 बॉल में 40 प्रेशर अब्जॉर्बिंग इनिंग थी, लेकिन विराट कोहली ने बिल्कुल वन मैन आर्मी शो था। और उम्मीद करते हैं यार विराट कोहली ये वर्ल्ड कप जीते यार, सीरियसली यार, हर बार वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वर्ल्ड कप नहीं जीतती इंडिया। पहले ये वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। मैच खेल जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब है वो आगे भी जाके आगे आने वाले मैचेस में भी किसी भी टीम के खिलाफ कुछ भी कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे अब आज साउथ अफ्रीका का मैच जो आपने देखा जम्बावे के साथ, एक पॉइंट दोनों को मिल गया, ये पाकिस्तान के लिए मजीद खतरे की घंटी बज गई है इस वर्ल्ड कप के अंदर, कि अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से हर सूरत से मैच जीतना है। भाई बाकी टीम्स तो आपकी हल्की हैं, आपने हमेशा उनको बायलैटरल के अंदर मारा है, जम्बावे हो गई, नेदरलैंड हो गई, अभी आप मार कर आए बांग्लादेश हो गई, ये तो आसान टीमें होंगी आपके लिए, मगर अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ये आप पे हावी ना हो जाए, ये आपकी क्या प्लानिंग है इस हवाले से बताएं। मगर आपके पास जवाब बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मैं कह रहा हूं जवाब के इंटरेस्टिंग होते हैं। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भैया कोई मुकद्दस गाय है भाई, वो उस पे आप कोई भी मैं आ रहा हूं, सुन तो ले आप मेरी बात। मैं कह रहा हूं कोई किसी पे उंगली नहीं, 2021 में कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, ये बाबर के इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, ये बाबर कह रहे थे। उसके बाद रिजवान आए जो हम पे बात करेगा वो जलील है, ठीक है ये। उसके बाद रिजवान आए, फिर मोहम्मद यूसुफ आए कि भाई हम हमारे बॉलर जहाँ बॉल करते हैं वहाँ फील्डर के हाथों में बॉलें नहीं आती, ठीक है। फिर सकलेन आए, कुदरत का निजाम है। फिर बाबर आए, क्रिकेट की खूबसूरती। तो जो आपके पास सारी जुगाड़े हैं, ठीक है, तो फिर जुगाड़ लगाए ना। देखें कल कॉपी पेस्ट हम हसरत की तस्वीर बने हुए, हम गम की तस्वीर बने, हम मुसव्विर गम राशिदुल खैरी बन के यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। ग्रांट एलियट भी तो यही बात बोल रहा है, अनिल कुंबले भी तो यही बात बोल रहा है, ब्रेड हॉग भी तो यही बात बोल रहा है कि इस मैच के अंदर जो है वो अंपायरिंग के मसाइल सामने आए, वो सब हसरत गम आया यास की तस्वीर बने बैठे हैं। कौन है ये लोग? आप जानते नहीं ब्रेड हॉग को, आप जानते नहीं अनिल कुंबले को, आप जानते नहीं ग्रांट एलियट को। T20 में क्या किया हुआ इन लोगों ने? इनसे बड़े लोग हैं क्या? अनिल कुंबले छोटे लोग हैं तो भाई। अली ब्रेड हॉक को रिकॉर्ड पता है क्या कहा कभी? वो भी तो खबर जो अंपायर है ICC का उसकी लाए ना निकाल के आप कहानी। ये अलीम डार वहां बैठे हुए, इनको पाकिस्तान याद नहीं आ रहा? ये क्या ICC के कॉन्ट्रैक्ट के नीचे अपने पेट में मफादात रहा? आप ये मैं क्या बताऊंगा, मेरी कौन है? मैं आपको बता दूं, मेरी ICC की जो रूल बनाने वाली कमेटी है पहले उसमें शामिल था मेरा भाई। चल रही होती तो क्या बात कर देते, इस बात का पता लगाए कि ये शादाब 15 से पहले फारिग क्यों जाता है ओवर करा के, ये मालूम करें हम भाई। ये पूछ रहे अनिल कुंबले कौन है? अनिल कुंबले ICC की जो रूल बनाने वाली कमेटी है उसका हिस्सा थे, और पूछ रहे अनिल कुंबले कौन है? नहीं, ग्रैंड एलिट थे या है, थे या है ये भाई? बनाए ना रूल तो वही तो अब ग्रैंड एलिट ये बात कह रहे हैं। तो रूल के खिलाफ कुछ हुआ है क्या भाई? ये देखें, ये एक्सेप्ट कर लें, कोई रोल नहीं रहा नो बॉल पे, लेकिन एक्सेप्ट कर
कर ले नहीं करेंगे ना अंपायरिंग रोल को ले अंपायरिंग के एरर्स थे देखिए अंपायरिंग के एरर थे उस वक्त उस मोमेंट पर देखिए विराट कोहली का एक प्रेशर है आप माने ना माने जब विराट कोहली जैसा हाई बैट्समैन अंपायर को पूछेगा भाई ये नो नहीं थी थोड़ा अंपायर बौखला रहा था चाहे जितना भी एक्सपीरियंस अंपायर ठीक है एक्सपीरियंस अंपायर था अंपायरिंग के एरर्स का राइट नहीं है सर राइट है सर विराट कोहली का कसूर थोड़ी है सब मना नहीं कर रहे पहला राइट भाई वो जाके लेट जाए बिल्कुल ठीक है मैं मना नहीं कर रहा विराट कोहली का कसूर है बराबर क्या चूसनी लेकर विराट का हक है बाबर का भी दोनों ने अपोज किया चैलेंज है कि इस मैच में अंपायरिंग के प्रॉब्लम्स नजर आए फ्लॉज आए जहां पर आईसीसी को डेफिनेटली रूल चेंज करना पड़ेगा ग्रांट एलियट ये बात कर रहे हैं भाई नासिर हुसैन को जानते हैं वो भी ग्रांट जानते हैं भाई नासिर हुसैन को जानते हैं उन्होंने कह दिया था भाई उसको तो पाकिस्तान नासिर हुसैन को भी नहीं जानते एलियट को नहीं जानते ग्रांट एलियट को आप नहीं जानते ब्रैड हॉक को आप नहीं जानते अनिल कुंबले को आप नहीं जानते यूसुफ को आप नहीं जानते सकलेन को आप नहीं जानते बाबर आजम को आप नहीं जानते लेजेंड्स हैं उनकी जबानों में ताले क्यों पड़े हैं आप किसको जानते हैं उसी की बात कर लो आप किसको जानते हैं 272 लोग टेस्ट कैप ले चुके हैं किधर है वो मैं तो आपसे एक लाइन में खड़े होकर ये एक बात नहीं कर सकते आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं बात करूं हफीज ने नहीं बोला कि मुकद्दस गए बाबर उसी कैप्टनसी के ऊपर बात है शोएब अख्तर ने अंपायरिंग को नहीं बोला पूरे मामलात हो गए ना पूरे मैच में कैसे रुकवा देते मैच के बाद बात करेंगे क्रिकेट उनकी रही नहीं है सारी सिचुएशन चेंज हो गई है वो नो बॉल आपके गले की हड्डी बनी क्यों इतना बड़ा जब मार्जिन था गैप था आपके पास तो ये इतनी सिचुएशन आपके कैप्टेंसी में चेंज कैसे हो गई ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बाबर आजम है इतने बड़े कैप्टन बने हुए हैं अभी वो ड्रेसिंग रूम में लोगों को बता रहे थे कि आपने डाउन नहीं होना आप देखे सही मैसेज नहीं है अगर कैप्टन नहीं सही मैसेज आप उन लोगों के साथ सही नहीं कर रहे खुशदिल शाह हो गया आसिफ अली हो गया मोहम्मद नवाज हो गए इनको अगर ये बर्बाद होंगे तो इसके जिम्मेदार हमारे कैप्टन है आप ये देख लें अपनी जो है ना ग्रेजिस के लिए बर्बाद होंगे या मुल्क बर्बाद होगा क्रिकेट के लिहाज से नहीं अभी तो उनका करियर भी खराब होगा आप देखिए मोहम्मद नवाज है कि इमाद वसीम ना आ जाए वो मोहम्मद नवाज को आगे कर दिया अच्छा जी मोहम्मद हारिस को ले आए कि नहीं सरफराज ना आ जाए मिडल ऑर्डर को छुपा के बैठे हुए वो जैसी मुर्गी नहीं अपने बच्चों को छुपा के बैठी हुई होती है परों में छुपा के बैठे हुए कि किसी तरह शोएब मलिक या कोई और इस तरह का बंदा ना आ जाए तो ये जो ग्रेजिस है ना ये हम भुगत रहे हैं ठीक है अच्छा आपको क्या लगता है जैसे बाबर आजम की कप्तानी पे बात हो रही है अभी हफीज ने भी कह दिया मुकद्दस का ही नहीं है बाबर आजम क्यों एक ऐसा फिगर बना के रख दिया कि इस पर आप बात ही नहीं कर सकते और अगर जैसे इफी भाई ठीक है मेरे इनसे 50,000 इख्तिलाफ हैं लेकिन अगर 50,000 इख्तिलाफ हैं तो 1,000-2,000 तो इनसे मैं एग्री भी करता हूं ना बातों को कि जो ये बात करते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी कब तक हम ये सुनते रहेंगे हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं हमारी पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हुई हम 15-20 रन शॉर्ट रहे ये तो एक रट गया सबक ये अली देखें बाबर आजम एक नेचुरल कैप्टन नहीं है कुछ प्लेयर्स होते हैं वो नेचुरल कैप्टन होते हैं बाबर आजम उनमें से नहीं है जो कि एक नेचुरल कैप्टन है और ये आपको भी पता और हम सबको पता है ये वो कैप्टन है जो ऑन द ग्राउंड सीख रहे हैं और सीखते हुए आए हैं ठीक है इन्होंने इतने रन्स भी किए हैं इन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं मुझे पता है कि यहाँ पर चैलेंज आ रहा है T20 के स्ट्राइक रेट वगैरह का बट हैविंग सेड ऑल दैट अब वो एक ऐसी पोजिशन पर आ गए हैं एज अ प्लेयर कि आप उनको निकाल तो सकते नहीं ठीक है अब वो सवाल ये है कि आर वी रेडी एज अ टीम टू ड्रॉप बाबर आजम एज कैप्टन बट प्ले हिम एज अ प्लेयर अगर आप खेलना चाहते हैं बिकॉज विराट कोहली भी जो है उसी तरह से कैप्टन होके छोड़ के एज अ प्लेयर खेलें ठीक है इस वक्त लेकिन अगर आपको लगता है कि बाबर आजम कैप्टन नहीं हुए तो T20 फॉर्मेट में उनकी जगह बनती है देखिए अगर आप रिजल्ट्स पे देखेंगे पाकिस्तान के जो पिछले 2 साल के रिजल्ट उठा के देख लें जो पाकिस्तान की सक्सेसेस आई हैं वो इनकी वजह से आई हैं एज अ पार्टनरशिप जो उन्होंने की है मैं नहीं कह रहा कि सारी सक्सेस इनकी वजह से आई है मैं नहीं कह रहा कि अगर ये नहीं होते तो हम इतने तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है विराट कोहली के बारे में और जो मतलब नो बॉल ये वो फ्री हिट सब कुछ रूल बुक के हिसाब से हुआ कुछ नहीं कह सकते आप कुछ भी नहीं कह सकते आप जो नो बॉल था बात हो रही है कि यार वो नो बॉल नहीं थी सीरियसली वो नो बॉल थी पाकिस्तान के कई क्रिकेटर मान भी चुके आकिब जावेद जो बिल्कुल नेगेटिव रहता है इंडिया को लेके वो तक कह चुका कि वो क्लियरली नो बॉल थी चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो अगर बॉल सीधी बात है वेस्ट हाइट के ऊपर है जहां बैट्समैन खड़ा हुआ है तो
तो वो नो बॉल होगी। आपने कभी गली क्रिकेट में, हुआ है मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी होगा, बहुत ऊंची बॉल आ रही है और डायरेक्ट स्टंप में लग जाती है, बट वो वेस्ट हाइट से ऊपर रहती है लेकिन वो लूप करती हुई डायरेक्ट स्टंप में लगी है। ऐसा हुआ होगा, आप क्रिकेट खेले तो हुआ होगा, कभी ना कभी तो आपने देखा होगा गली क्रिकेट में, लेकिन वो नो बॉल है रूल बुक के हिसाब से। जहां बैट्समैन खड़ा होता है अगर उसकी ये कमर से ऊपर है वो बॉल, तो वो नो बॉल है, चाहे आप वो स्टंप में भी क्यों ना लग रही हो, फिजिक्स के हिसाब से ये पॉसिबल है। आपको पता है ना, बॉल ऐसी जाके ऐसे करके स्टंप में गिर सकती है, बट जहां बैट्समैन खड़ा रहेगा तो उसकी कमर के ऊपर से बॉल रहेगी तो वो नो बॉल कहलाएगी। कुछ भी कर लो आप, स्टंप में भी लगे तो नो बॉल, अगर कमर के ऊपर से। तो विराट कोहली के साथ भी सीन हुआ। अब क्या होता है, एडिटेड फोटो आ जाती है ट्विटर पे, तो बॉल बहुत नीचे करके दिखा दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल में आप देखेंगे तो विराट कोहली की जो कमर है उससे इतना ऊपर है बॉल। अब कहेंगे विराट कोहली आगे खड़ा था, इतना भी आगे नहीं खड़ा था, कल एक नीदरलैंड वाले मैच में वो आगे खड़ा था फिर भी वो नो बॉल दी गई। तो आप समझ सकते हो यार सीन क्या है। अब बात करते हैं यार पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन का, होगा यार फ्रस्ट्रेशन यार, इतना क्लोज मैच, पाकिस्तान जीता जिताया मैच, जैसा कि ये लड़की बोल रही है कि बस हमने तो तीन ओवर में 48 ही, हम तो मिठाई खाने की तैयारी में थे और जो जो ये हुआ और वो मैच पलट गया। तो मैच में अब लास्ट ओवर वाले नवाज को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उससे पहले शाहीन को करो ना, उससे पहले रौफ को करो ना, हालांकि रौफ की अगर दो बॉल निकाल दें तो बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, शाहीन फिट नहीं था, नवाज बेचारा स्पिनर आखिरी ओवर में गलत फंस गया वो, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। अब बाबर को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ठीक है यार हार गए मैच, आगे देख लेना यार क्या होता, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कम रिसोर्सेज के साथ, ऑब्वियसली सब बच्चे, अभी शाहीन अफरीदी का एक इंस्टाग्राम पे मैंने रील देखा, वो लेनोवो क्या पढ़ रहा है, मतलब तो उसका मजाक बना रहा है, मीम्स बना रहा है, पाकिस्तानियों की इंग्लिश का मजाक बनाया जाता है ये वो। अरे भाई बेचारे गरीब बच्चे आके 140 की बॉल फेंक रहे हैं, उनका टैलेंट देखो, ये इंग्लिश और ये सब मत देखो यार, कम रिसोर्स में आके, कम रिसोर्स और बहुत मतलब हम्बल बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड से आके वो इतना अच्छा खेलते हैं, वो चीज़ देखो। तो पाकिस्तान यार टीम तो बहुत अच्छी यार, मतलब माने ना माने जो जो फैसिलिटीज़ है साउथ अफ्रीकन, जो इंग्लैंड या जो ऑस्ट्रेलियन को मिलती है, अगर उतनी पाकिस्तान टीम को मिले तो वो भी बिल्कुल मतलब एक क्रिकेट में जो पांच टीम है स्ट्रॉन्ग उसमें तो टॉप फाइव में पाकिस्तान आती है, और वो बहुत अच्छी टीम है माने ना माने। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें। और विराट कोहली के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़रूरी है, बेचारा 2014 T20, 2016 T20, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी, 19 सब परफॉर्मेंस देते हैं, बट वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहा विराट कोहली। T20 की बात कर रहा हूँ, 11 का तो था विराट कोहली। आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता।